हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मेड्यूसा का दूसरा भाग, क्योंकि धूम्रधर के साथ साथ वह भी मौत की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। और उसको इस बात का कतई आभास नहीं था कि रत्न की ऊर्जा ने वायु में एक नए और रहस्यमय आयाम का द्वार खोल दिया है और उसके शरीर को अनजान शक्तियां उस द्वार के अंदर खींच रही हैं। कुछ ही पलों के अंदर नागराज बगैर कोई निशान छोड़े इस दुनिया से गायब हो जाने वाला था। लेकिन नागराज की किस्मत भी उसके साथ थी और उसके दोस्त भी। आह, ये क्या हो रहा है? किसने बचाया मुझको? तुम इतने सालों के बाद? आखिर वो कौन सी बात है जो इतने वर्षों के बाद तुमको फिर से मेरे सामने ले आई है? कपाल कुंडला? कपाल कुंडला के बारे में जानने के लिए पढ़ें शाकुरा का चक्रव्यूह। मुझको बड़ी खुशी है कि तुमने मुझे पहचान लिया नागराज, और मुझको यहाँ पर जो वजह लाई है वह तुम्हारे सामने है। 13वें आयाम में खुलने वाला ये द्वार, इसको बंद करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा इससे जो काली शक्ति हमारे आयाम में आएगी वह अकेली ही हम सबका विनाश कर सकने में समर्थ होगी। यह तेरवा आयाम क्या चीज है, और इसमें मौजूद काली शक्ति से भला तुम्हारा क्या वास्ता है? ऐसी कौन सी बात है जो तुमको एकाएक यहाँ पर खींच ले आई है? इस ब्रह्मांड में कई सारे आयाम है नागराज। हमारा ब्रह्मांड जो तुमको नजर आता है वह 7वें आयाम में है। ऐसे अनगिनत आयाम हैं, और चूंकि हम उन आयामों को ना देख सकते हैं और ना ही उनको महसूस कर सकते हैं, इसलिए हमारे इर्द गिर्द ही होते हुए भी हमें उनका पता नहीं चल पाता। लेकिन कभी कभी इन आयामों के बीच में समय द्वार खुल जाते हैं और एक आयाम की शक्तियां दूसरे आयाम में पहुंच जाती हैं। यह समय द्वार भी ऐसा ही था जो 13वें आयाम से हमारे 7वें आयाम में खुल रहा था, पर मुझे सही समय पर इसका आभास हो गया और मैंने यहीं पर आकर इसको सील कर दिया। कुछ समझे नागराज? अब आओ। कुछ समझा और कुछ नहीं समझा, पर इतना तो बता दो कि तुमको इस घटना का आभास कैसे हुआ, और इस 13वें आयाम में कौन सी ऐसी खतरनाक शक्ति है जो मानव का विनाश कर सकती है? हालांकि मैंने समय द्वार को बंद कर दिया है और वह खतरा टल गया है, लेकिन फिर भी मैं तुमको बताती हूँ। सुनो, इस 13वें आयाम में जो काली नाग शक्ति कैद है उसका नाम मेड्यूसा है। उसको तुम इस संसार में मौजूद सभी काली नाग शक्तियों की माता कह सकते हो। पौराणिक काल में इसने पृथ्वी पर जो विनाश लीला मचाई थी उसका ग्रीक देवराज ज्यूस के पुत्र हरकुलिस ने अंत किया था, जो आधा इंसान और आधा देवता था। मेड्यूसा के चेहरे को देखते ही कोई भी इंसान पत्थर का बन जाता था। हरकुलिस ने अपनी ढाल में उसकी परछाई को देखकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। मेड्यूसा अविनाशी थी, यह बात हरकुलिस जानता था। जब तक सिर और धड़ अलग अलग रहते, सिर्फ तभी तक मेड्यूसा मृत के समान थी। इसलिए हरकुलिस ने मेड्यूसा के सिर और धड़ को अलग अलग स्थानों पर दफना दिया था और कब्र के ऊपर पत्थर रखने के बजाय एक पूरा पहाड़ रख दिया था। लेकिन होनी को तो पहाड़ भी नहीं रोक सकते। सदियों तक मेडूसा शांत सोई रही, और फिर एक दिन एक भीषण भूकंप ने उस क्षेत्र को हिलाकर रख दिया जहां पर मेडूसा दफन थी। और इस भूकंप ने धरती के हिस्सों को हिलाकर मेडूसा के सिर और धड़ को फिर से आपस में मिला दिया। मेडूसा एक बार फिर जी उठी थी, और इस बार उसको रोकने के लिए हरकुलिस नहीं था। मेडूसा का कहर एक बार फिर मानवता पर बरसने लगा। पूरी दुनिया के मानवों को पत्थर की मूर्तियों में बदलते हुए भारत की धरती पर आ पहुंची, और यहाँ पर उसका सामना हो गया तांत्रिकाचार्य स्वामी अघोरनाथ से। उनकी तांत्रिक शक्ति के सामने मेडूसा टिक नहीं पाई, पर समस्या फिर वही थी, मेडूसा अविनाशी थी। तब उन्होंने एक अद्भुत कार्य किया। उन्होंने मेडूसा के चेतना स्वरूप को उसके शरीर से अलग कर दिया और उसको 13वें आयाम में भेजकर कैद कर दिया और समय द्वार को सील कर दिया। तुम्हारे दुश्मन ने जिस रत्न को तुम्हारे पेट में तोड़ा था वह उस समय द्वार पर लगी सील थी। उस सील को तोड़ने से समय द्वार भी खुल गया था और मेडूसा की काली शक्तियां तुमको अंदर खींचने लगी थी। कहानी तो रोमांचक है, पर इस कहानी से तुम्हारा क्या संबंध है? मैं उन्हीं तांत्रिक स्वामी अघोरनाथ की वंशज हूँ। मेडूसा पर एक नजर रखने का कार्य हम पुष्ट दर पुष्ट देखते आ रहे हैं। बस यह मुझको नहीं पता कि वह सील बीच के समय में कहाँ पर खो गई थी। वह रत्न यानी सील मेरे वंश के राज खजाने में पहुंच गई थी, और वहीं से वह शख्स धूम्रधर उसको चुरा लाया था। बस ये मत पूछना कि यह धूम्रधर कौन था, क्योंकि मुझको ये नहीं पता, नहीं पूछूंगी। धूम्रधर अभी तक जिंदा था। आह, मुझको बचाने के लिए शुक्रिया काली शक्ति। नागराज ने तो मुझे लगभग गला ही डाला था। तुझको बचाने के पीछे मेरी दया नहीं, मेरा स्वार्थ है। अगर द्वार खुला रहता तो मैं आजाद हो सकती थी, परंतु द्वार फिर से बंद हो गया है। बस इस बार उस द्वार पर लगा अवरोध उतना शक्तिशाली नहीं है जितना पहली बार था। मैं खुद तो इस द्वार के पार नहीं आ सकती, पर अपनी शक्तियों को जरूर भेज सकती हूँ। पर इस वक्त तू अपने संसार का मेरा एकमात्र संपर्क सूत्र है। वे शक्तियां मुझको तेरे ही जरिए भेजनी होंगी। विशंधर, एक पीड़ादायक स्थिति के लिए तैयार हो जा।
विषंधर मेड्यूसा की काली शक्तियों का चालक बन गया था, और वे काली शक्तियां इस वक्त एक नए शहर की तरफ बढ़ रही थी, राजनगर की तरफ, राजनगर का नेशनल म्यूजियम। कमाल है, लोग कबाड़ी के धंधे को नीची नजर से देखते हैं और खुद सदियों पुराने कबाड़ को देखने के लिए टिकट लेकर आते हैं। उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात, इन कबाड़ों की कीमत अरबों में है, और इसकी सुरक्षा के लिए हम जैसे गार्डों की मोटी तनख्वाह भी दी जाती है, और साथ में सालों साल की बोरियत भी। आह आह, कौन है वहां? आवाज इसी मम्मी एनक्लोजर से आई है, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे कोई भूत भूत ही मिल जाता तो थोड़ी बातें करके टाइम तो पास होता, लेकिन अपनी ऐसी तकदीर कहाँ। मैं यहाँ पर बस ये देखने आई थी कि मेडूसा की 10,000 साल पुराना तेरा सूखा शरीर अभी तक सलामत है या नहीं। शायद तेरे पापों की यही सजा है, अनंत काल तक तेरे व्यायाम में भटकते रहना। ना तू मरेगी ना तेरा शरीर गलेगा, और तू अनंत काल तक दुख भोगती रहेगी। अब इस जन्म में शायद तुझसे दोबारा मुलाकात नहीं होगी, अलविदा मेडूसा। लेकिन कपाल कुंडला के लिए अभी अलविदा कहने का वक्त नहीं आया था। आहा, हालांकि यहाँ स्मोकिंग बैन है, लेकिन एक सुट्टा मारने में भला क्या जाता है, यहाँ मुझको देखने वाला है ही कौन। धुआं बंद अच्छा नहीं लगता मुझे। बचाओ, इस मूर्ति में भूत घुस गया है, कुछ गड़बड़ है, मुझको मेड्यूसा की शक्तियों का आभास हो रहा है, बचाओ। वह दृश्य कपाल कुंडल तक के होश उड़ा देने के लिए काफी था। हे भगवान, एक चलती फिरती पत्थर की मूर्ति, और वह इधर ही पड़ रही है संग्रहालय के मम्मी भाग की तरफ। मैं समझ गई कि यह क्या हो रहा है। समय दौर पर मेरे द्वारा लगाए गए अवरोध स्वामी अघोरनाथ के अवरोध जितना शक्तिशाली नहीं था। मेडूसा की शक्ति दौर के पार आ रही है। यह मूर्ति भूतकाल में मेडूसा द्वारा पत्थर में बदला गया कोई सैनिक है। मेडूसा की शक्ति ही इसको चला रही है, और मुझको पूरा विश्वास है कि मेडूसा ने इसको खुद को लाने का आदेश दिया है, अपनी मम्मी हो चुके शरीर को लाने का आदेश। और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे मेडूसा के शरीर और धड़ को अलग करके मेडूसा की जिंदा होने की किसी भी कोशिश को रोकना होगा, और इसके लिए मुझको इस मूर्ति से पहले मेडूसा के शरीर तक पहुंचना होगा। कपाल कुंडला की कोशिश तो समझदारी भरी हुई थी, लेकिन मेडूसा की काली शक्ति उसकी इस चाल को भांप गई थी। उसने कपाल कुंडला का रास्ता काट दिया था, और अब उसकी कोशिश कपाल कुंडला की जीवन रेखा को काटने की थी। आह, ये सैनिक मम्मी मनोवजनी जरूर है, लेकिन ये जानता नहीं कि ये किससे उलझ रहा है। मैं इसको इतने टुकड़ों में बिखेर सकती हूँ जितने साल इसने पत्थर बनकर गुजारे हैं। कपाल कुंडला से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। अब इससे पहले कि मेडूसा कोई और चाल चले, मुझे उसका सिर धड़ से अलग करके यहां से दूर ले जाना है। कपाल कुंडला बड़ी आसानी से यह लड़ाई जीत गई थी, और इस जीत ने उसको अति आत्मविश्वास से भर दिया था, और जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास हमेशा घातक होता है। आह, जैसा मेडूसा गर्दन कटने से भी मरती नहीं है, वैसे ही उसकी शक्ति से चलने वाली मूर्ति भी टूटने से नष्ट नहीं होती है। अब इसको रोकूं कैसे? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे कभी किसी मूर्ति को चलने से भी रोकना पड़ सकता है। इसलिए मैंने कभी ऐसे तंत्र को सीखने का प्रयास ही नहीं किया। मैं इसको सिर्फ तांत्रिक वारों से तोड़ सकती हूँ, और उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं तोड़ती जाऊंगी और ये जुड़ता जाएगा। अगर मैं पल भर के लिए भी इससे पीछा छुड़ा पाती तो मेडूसा के मम्मी शरीर को यहाँ से लेकर भाग खड़ी होती। ये पत्थर की मूर्ति बहुत धीरे चलती है, ये मेरा पीछा नहीं कर पाएगी। किस्मत कपाल कुंडला के साथ थी, क्योंकि मूर्ति के वार ने अलार्म को बजा दिया था, और म्यूजियम के सिक्योरिटी गार्डों की टीम ने वहां तक पहुंचने में जरा भी समय नहीं लगाया था। ये असंभव है, ये तो प्राचीन काल के योद्धा की मूर्ति है, पर ये चल कैसे रही है? ये तो जादू है, या इस मूर्ति में भूत भूत घुस गया है। डराओ मत यार, ये बताओ भागना है या लड़ना है? नौकरी बचानी है तो लड़ना ही पड़ेगा, भूख से मरें या इसके हाथों से, बात तो बराबर ही है। तो फिर डालो बंदूक में बड़ी वाली गोलियां और तोड़ डालो इस मूर्ति को, शूट एट किल। गार्डों ने मूर्ति का ध्यान खींच लिया था, और कपाल कुंडला को वह मौका मिल गया था जिसकी उसको तलाश थी। यहाँ पर एक पल भी रुकना खतरनाक होगा। अगर गार्डों ने मुझको देख लिया तो वे मुझे भी मूर्ति का साथी समझेंगे। मेडूसा के शरीर को पहले यहाँ से दूर ले जाना होगा, ताकि मैं आराम से तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा मेडूसा के सिर और धड़ को अलग अलग करके उनको दुनिया के दो अलग अलग हिस्सों में दफना दूं, ताकि मेडूसा फिर कभी ना उठ सके। अब यहाँ पर मैं आराम से इसके सिर और धड़ को अलग कर सकती हूँ, और दोनों हिस्सों को अलग अलग दफन कर सकती हूँ, और मेडूसा की गुलाम पत्थर की वह मूर्ति समय रहते मेरा रास्ता रोकने के लिए नहीं आ सकती। कपाल कुंडला का ख्याल सही था, मूर्ति उसको रोकने के लिए नहीं आ सकती थी, लेकिन उसको रोकने वाले और भी थे। आह, ये सांड कहाँ से आ गया, और इसने मुझको टक्कर क्यों मारी? मैंने तो लाल कपड़े भी नहीं पहने हुए। इसको ऐसा करने के लिए मैंने कहा था, क्योंकि आमतौर पर मैं महिलाओं पर हाथ नहीं उठाता,
तुम जानवरों से बात कर सकते हो? कौन हो तुम? लोग मुझको सुपर कमांडो ध्रुव कहते हैं, पर सवाल यह है कि 10,000 साल पुरानी बेशकीमती मम्मी के टुकड़े करके तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम सबकी भलाई या अपनी भलाई? तुम जरूर इस मम्मी के सहारे कोई तांत्रिक शक्ति पाना चाहती हो। मेरे पास पहले से ही काफी तांत्रिक शक्तियां हैं, अब मेरे काम में टांग अड़ाने का इरादा छोड़ दो और अपने दोस्त जानवरों से बातें करो। ओह, इसने मुझको अदृश्य दीवारों वाली किसी कैद में बंद कर दिया है, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। अब मैं आराम से मेडूसा के टुकड़े कर सकती हूँ। अरे, मेडूसा कहाँ गई? ओह, इसको पक्षी उठाकर ले जा रहे हैं। मेडूसा की सदियों से सूख रही मम्मी अवश्य काफी हल्की हो गई होगी, यानी ये लड़का पक्षियों से भी बात कर सकता है, पर ये पक्षी मुझसे दूर नहीं भाग सकते हैं क्योंकि कपाल कुंडला को भी आकाश मार्ग पर चलना आता है। कपाल कुंडला एक ही छलांग में मेडूसा तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी उसके हाथ मेडूसा तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि किसी चीज ने उसके पैरों को थाम लिया था, और ये चीज स्टार लाइन थी। तुम मेरी तांत्रिक कैद से बाहर आ गए? पर कैसे? मेरी कैद से तो आज तक कोई भी आजाद नहीं हो पाया। मैं भी नहीं हो पाता अगर मेरे साथ साथ तुमने एक मेन हॉल को भी कैद ना कर दिया होता। मैं मेन हॉल के रास्ते आराम से बाहर आ गया और अब मैं खुद इस मम्मी को म्यूजियम तक पहुंचाने जा रहा हूँ। यह मेडूसा को वापस संग्रहालय की तरफ ले जा रहा है और वहां पर मेडूसा की गुलाम मूर्ति उसका इंतजार कर रही होगी। मुझको इसको यहीं पर रोककर मेडूसा के शरीर को हासिल करना ही होगा। स्टार लाइन एक मामूली से तांत्रिक वार से ही टूट गई और कपाल कुंडला आजाद हो गई। बस, अब तुम और आगे नहीं जा पाओगे। तुम्हारे मामूली वार मेरे लिए मच्छरों के डंक से ज्यादा और कुछ नहीं है, जो खून की एक बूंद को खींचने में सारी रात लगा देते हैं। पर मेरा वार तुम्हारा सारा खून कुछ पलों में सुखाकर तुमको खुद एक मम्मी बना देगा। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमो नमः। और एक मम्मी दूसरी मम्मी को थाम नहीं सकती। लाओ, इसको मुझे दे दो। आह, ये कमजोरी, थकान लग रही है और चक्कर भी आ रहे हैं, मुंह सूख रहा है। मुझको जान लेने का शौक तो नहीं है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती मेरा वह समय है जो तुम बर्बाद कर रहे हो। आह, तांत्रिक शक्तियों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये शक्तियां विज्ञान के नियमों को नहीं मानती। उनको नियंत्रित करता है इंसान का दिमाग। एक काम मैं अभी भी कर सकता हूँ, बस उसके लिए मुझको जरा सी शक्ति इकट्ठी करनी होगी। ध्रुव ने अपनी मम्मी होते शरीर की बची कुची शक्ति को इकट्ठा किया और कपाल कुंडला के पैरों से एक बार फिर स्टार लाइन आलिपटी। दूर हट मुझसे, मैं एक साथ दो मम्मियां नहीं उठा सकती। लेकिन इससे पहले कि कपाल कुंडला अपने हाथों को खाली करके स्टार लाइन को तोड़ पाती, ध्रुव का सूखता शरीर अपनी आखिरी कलाबाजी खा चुका था। स्टार लाइन का दूसरा हिस्सा हाई टेंशन केबल से लिपट चुका था और उसमें से होकर दौड़ती हुई बिजली कपाल कुंडला के शरीर तक पहुंच गई थी। आह, ये झटके, मेरा ध्यान भंग हो रहा है, मैं मेडूसा को थाम नहीं पा रही हूं। मैं ठीक हो रहा हूं। तंत्र को कंट्रोल करने वाले दिमाग के अनियंत्रित होते ही तंत्र की शक्ति भी खत्म हो रही है। हवा में लटके होने के कारण यह हाई वोल्टेज इस तंत्रिका को मारेगी तो नहीं, पर बेहोश जरूर कर देगी। और जब तक मैं मम्मी को म्यूजियम में सुरक्षित रखकर वापस आ जाऊंगा, और तब मैं इस तांत्रिका से जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये इस मम्मी के जरिए क्या करना चाहती थी। वह रहा म्यूजियम, लेकिन यहां पर अभी भी भगदड़ क्यों मची हुई है? शायद ये खोई हुई मम्मी को ढूंढ रही है। मैं अभी इनकी चिंता दूर कर देता हूँ। चिंताएं दूर होने वाली नहीं थी, बल्कि बढ़ने वाली थी, क्योंकि ध्रुव अनजाने में मेडूसा को म्यूजियम के पास ले आया था और ऐसा करके उसने पूरी दुनिया के साथ साथ अपनी जान को भी खतरे में डाल दिया था, क्योंकि मेडूसा की मम्मी फिलहाल उसके पास थी और सैन्य मूर्ति को सिर्फ उसी की तलाश थी। व्हाट इज दिस? एक एक मूर्ति चल रही है, यानी भगदड़ इसी के कारण थी, मम्मी के कारण नहीं। ओ, अब मैं समझा, वह तांत्रिका जिसको मैं उल्टा लटकाकर आया हूँ, जरूर उसी ने अपनी तंत्र शक्तियों से इस मूर्ति को चलाया होगा और भगदड़ का फायदा उठाकर मम्मी को ले उड़ी होगी। पर अब वह बेहोश है और इस मूर्ति को विनाश करने से सिर्फ वही रोक सकती है, परंतु फिलहाल ये काम मुझको ही करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मुझे इस मम्मी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा ताकि ये इसके हाथों में ना पड़ सके, और वह जगह यहां से दूर होनी चाहिए। ध्रुव के स्थान पर उस मूर्ति का रास्ता रोकने के लिए भारी हथियारों से लैस एक्शन फोर्स घटना स्थल पर आ चुकी थी, पर यह सवाल बरकरार था कि वे सफल हो पाएंगे या नहीं। हमारे हथियार भी इसके बदन बढ़ते कदमों को रोक नहीं पा रहे हैं। अब हम क्या करें? टैंक लाएं, उससे भी जोरदार चीज है। मैंने अपने और इसके बीच में लैंड माइंस बिछा रखी हैं और अब ये अपना पैर उस पर रखने ही वाला है, और माइन के दबते ही धमाका पत्थर के चूरे में बदल देगा। देखा? हा, हम जीत गए, हम जीत गए।
ये तो अविनाशी है, हम इस मूर्ति का विनाश नहीं कर सकते, मिलिट्री को बुलाओ। पर मिलिट्री से भी बड़ी मदद घटनास्थल पर बस पहुंचने ही वाली थी। 5 मंजिल ऊंची इस बंद फैक्ट्री की चिमनी के अंदर लटकी मेडूसा की मम्मी को कोई ढूंढ नहीं पाएगा। अब मैं निश्चिंत होकर उस मूर्ति को नष्ट करने के लिए कोई रास्ता सोच सकता हूँ, और फिर मैं उस तांत्रिका से इस सारे विनाश के कारण का पता करूंगा। ध्रुव को अपनी योजना पूरी करने के लिए पहले सैन्य मूर्ति को नष्ट करना जरूरी था, और वह काम असंभव था। हे भगवान, यह तो ऊपर की तरफ देखता हुआ उधर ही पड़ रहा है जहां पर मैंने मम्मी को लटका कर रखा हुआ है, और जिस पर रॉकेट तथा ग्रेनेड तक बेअसर है, उसको भला मैं कैसे रोक पाऊंगा। यस, ये वार तो 100 ग्रेनेडों को बराबर है। अब यह सैन्य मूर्ति नहीं बचेगी। अगले ही पल 2 लाख लीटर ज्वलनशील द्रव से भरा हुआ टैंकर फुल स्पीड से सैन्य मूर्ति की तरफ बढ़ रहा था, और मूर्ति में इतनी फुर्ती नहीं थी कि वह आग के उस विशाल गोले से बच सके। इस धमाके से तो कंक्रीट की इमारतें तक नहीं बच सकती, फिर यह मूर्ति भला क्या बचेगी। ओ गॉड, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ, और अब यह मेडूसा की मम्मी की ओर पहुंच गया है। मैं मम्मी को भी अभी भी इससे दूर ले जा सकता हूं, लेकिन उससे फायदा क्या होगा। मम्मी को पाने के चक्कर में यह मूर्ति विनाश फैलाती रहेगी, और जिस पर कोई वार असर न डाल रहा हो उसको भला मैं कैसे रोक सकता हूँ। ये रोकेगा मूर्ति को यह ड्राई आइस यानी ठंडी तरल कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भरा अग्निरोधक। ये जरूर टैंकर से तभी गिरा होगा जब मैं नीचे कूदा था। अरे ध्रुव, तुम इस शैतान की आग क्यों बुझा रहे हो। जलने दो इसको, शायद आग इसके शरीर को गला डाले। आग इसको गला नहीं पा रही है, वैसे भी मैं इसकी आग को बुझा नहीं रहा हूं, इसके गर्म दहकते शरीर को जल्दी ठंडा कर रहा हूं ताकि मेरी एक ही किक इसको टुकड़ों में बिखेर। रेगिस्तान ऐसे ही बनते हैं ना, दिन की गर्म चट्टानें जब रातों को अचानक ठंडी होती हैं तो उनमें दरारें पड़ जाती हैं और चट्टानों के टुकड़े होते रहते हैं। ऐसे कमाल है ध्रुव, जिसको बम के गोले नहीं तोड़ पाए उसको तुम्हारी किक ने तोड़ दिया। बारूदी हथियार इसके शरीर में दरारें नहीं डाल पा रहे थे, पर विज्ञान के सिद्धांतों से ये बच नहीं पाया है। अरे क्या हुआ, आप सबकी जुबान पर ताला क्यों लग गया। अगले ही पल ध्रुव की जुबान को भी काट मार गया। ये तो फिर से जुड़ गया, यानी इसको नष्ट करना असंभव है, पर इसको रोकना तो होगा ही। लेकिन चलती फिरती मूर्ति को भला क्या चीज रोक सकती है, कौन सी चीज। समझ गया, मेरी योजना बन चुकी है। अब उसको पूरा करने के लिए मुझको मम्मी चाहिए, क्योंकि उसको पाने के लिए यह मूर्ति बगैर कुछ सोचे समझे वैसे ही मेरे पीछे आएगी जैसे हड्डी के पीछे कुत्ता आता है। थोड़ी ही दूर पर मेट्रो ट्रक की फैक्ट्री में, सर मेट्रो रेल सेक्शन के 250 साइड स्लीपर तैयार हो गए हैं, अब हमको 700 स्लीपर और बनाने हैं, पर सीमेंट टैंक में इतना सीमेंट नहीं है। 1-2 घंटे में 50 ट्रक सीमेंट आ जाएगा, काम चालू रखो, हमको लेट नहीं होना है, 1 मिनट के लिए भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। व्हाट, पर मुसीबत कभी अकेली नहीं आती, अपने भाई भतीजों को साथ लेकर आती है। ओ माय गॉड, आप 1 मिनट की बात कर रहे थे, यहां तो पूरे महीने के काम का सत्यानाश कर देगा। कम से कम ध्रुव जैसे जिम्मेदार नागरिक को तो हमारी परेशानी समझनी चाहिए, ना जाने वह इस अजीबोगरीब मुसीबत को यहां क्यों ले आया है। ध्रुव के हर काम में एक मतलब होता था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मेडूसा के तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।